नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ये पांचों स्टॉक अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं इन पांचों स्टॉक्स के बारे में। तो जो पहला शेयर है हमारा वो है एस्कॉर्ट लिमिटेड, एक लीडिंग स्टॉक है अपने सेक्टर का, जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं ये हर मौसम में हर समय यूज होने वाला है, मतलब साल के 365 दिन एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये स्टॉक जो आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है जब आप किसी गिरावट में इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, स्टॉक का यहाँ पर इस शेयर का जब चार्ट देखेंगे तो हर गिरावट में जब ये बाउंस बैक किया एक नया हाई बनाया है, और देख सकते हैं यहाँ से चार्ट हमेशा इसमें गिरावट आया, फिर से ये बाउंस बैक किया और हमेशा एक नया हाई बनाया है। पिछले कुछ सालों से इस स्टॉक में काफी मतलब अच्छा रिटर्न प्राप्त हुआ इन्वेस्टर को। 2013 से 2020 तक में देखते हैं ये 20 गुना किया है अपने इन्वेस्टर के वेल्थ को, तो 7 साल में 20 गुना, तो दोस्तों हर साल 3 गुना रिटर्न दिया है। इस तरह बेहतरीन स्टॉक में जब भी गिरावट में मिले तो आपको अपॉर्चुनिटी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.20% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है उसमें काफी जंप देखने मिला। इस साल लो देखिएगा 526 रुपीज है जबकि हाई बनाया है 1452 रुपीज का। तो जब गिरावट में मिलता है, जब भी करेक्शन आता है तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक है, एग्रीकल्चर के स्टॉक समझ सकते हैं आप, इवर ग्रीन स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको गिरावट कम देखने मिलेगा लेकिन जब मूवमेंट करता है तो एक बड़ा मूवमेंटम आपको उस स्टॉक में आता हुआ देखने मिलेगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, अभी करेंट प्राइस 3365 रुपीज है और आज ये 55 रुपीज अप है। और अगर इस स्टॉक की बात करें वन मंथ में, तो वन मंथ में देखते हैं कुछ खास आपको दिखेगा नहीं। वन ईयर में बात करें तो वन ईयर का भी चार्ट देखते हैं कुछ खास नहीं है, लेकिन फाइव ईयर्स का चार्ट देखेगा, फाइव ईयर्स में अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, फाइव ईयर्स में 33% का। मैक्सिमम में बात करते हैं, मैक्सिमम में ये अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। मैक्सिमम की बात करें तो 2002 से अभी तक में अपने इन्वेस्टर को 1500% का रिटर्न दिया है, तो कुछ खास नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने सेक्टर के लीडिंग स्टॉक है, अगर आप ऑटो सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर अच्छा आने वाले समय में करेगा, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो बजाज ऑटो उसमें से प्रमुख है। तो बजाज ऑटो एक बेहतरीन स्टॉक में से एक है जो अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक है, और इसमें गिरावट आपको काफी कम मिलेगा क्योंकि ऑटो सेक्टर काफी दिनों से अंडर परफॉर्म है। लेकिन इस स्टॉक में देखते हैं कुछ खास गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगा। जो पैंडमिक था, पैंडमिक में काफी गिरावट आया लेकिन यह स्टॉक उतना ही मतलब तेज रफ्तार से बाउंस बैक किया, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ मजबूती के साथ इसमें बाउंस बैक देखने मिला। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.57% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि ऑटो सेक्टर में किसी भी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड आपको इतना देखने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे सेक्टर के रिटेल स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ऐसे ब्लू चिप कंपनी में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है काफी सिक्योर रहता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है, तीसरा स्टॉक वो है हमारा हीरो मोटरकॉर्प। इसका करेंट प्राइस है 3073 रुपीज और ये भी स्टॉक 1% से अप है, और ये भी स्टॉक देखिएगा वन ईयर में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया अपने इन्वेस्टर को। वन ईयर के रिटर्न की बात करें 23% है, और वहीं फाइव ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो फाइव ईयर्स में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, फाइव ईयर्स में देख लेते हैं तो मात्र 14%। 5 साल में जो रिटर्न है उससे ज़्यादा बेहतर वन ईयर का रिटर्न है, तो वन ईयर का रिटर्न पिछले 5 साल के रिटर्न से ज़्यादा बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने आपको मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम ईयर का रिटर्न है 2700% का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, तो 20 साल में आपके वेल्थ को 27 टाइम्स किया है। तो दोस्तों जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है टू व्हीलर काफ़ी अच्छा करे, क्योंकि जो हमारा पैंडमिक है, पैंडमिक के कारण क्या हुए हैं, जो इन्फेक्शन से दूर रहना चाहते हैं, तो ऐसे में टू व्हीलर का डिमांड काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि हर लोग चाहेगा अपना अलग गाड़ी हो, तो अपना अलग गाड़ी तो काफ़ी महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड करना ज़्यादा कठिन होगा, इसलिए लोग ज़्यादा टू व्हीलर को प्रीफर करेंगे। अगर टू व्हीलर में ज़्यादा डिमांड बढ़ता है तो इस स्टॉक में मतलब इस कंपनी के जो टू व्हीलर सेक्टर है वो काफी मतलब बेहतरीन है, टू व्हीलर सेक्टर को लीड करता है, तो इस हीरो के गाड़ी का डिमांड काफी बढ़ने वाला है, तो इससे में जो उसका प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिमांड भी स्टॉक का बढ़ेगा, तो जब डिमांड बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस में मूवमेंटम आएगा। तो दोस्तों इसका करेंट जो डिविडेंड यील्ड है वो भी देख सकते हैं काफी शानदार है, 2.93% का। अगला जो स्टॉक है हमारा वो है मुथूट फाइनेंस, ये भी काफी बेहतरीन
स्टॉक में से एक है। तो ये चौथा स्टॉक है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इस स्टॉक का अभी करेंट प्राइस देखिए 1189 रुपीज़ है। और ये स्टॉक में पिछले दिन कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिला है। वन ईयर की रिटर्न की बात करें तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है वन ईयर में 55% का। पिछले 5 ईयर्स में बात करें 5 ईयर्स में भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, देखते हैं 565% का। मैक्सिमम ईयर में बात करें मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देखते हैं मैक्सिमम ईयर में। तो ये 2011 में ही लिस्ट हुआ है और 2011 से जो लिस्ट हुआ तब से ये स्टॉक 576% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, साथ ही साथ डिविडेंड देख लीजिए 1.77% का है जो कि अच्छा खासा है। तो दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें आप चाहे तो हर गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों जब भी गोल्ड का प्राइस काफ़ी बढ़ता है तो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा जो मुथूट फाइनेंस है जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिलेगा। तो जब गोल्ड का प्राइस नीचे होगा चाहे मतलब स्टॉक में जब करेक्शन होगा तो बाय ऑन आपको डिप्स करना है। यहाँ पर आप देखते हैं जो पैंडेमिक आया था उसके बाद गोल्ड के प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने मिला, तो इस स्टॉक में भी 600 से के प्राइस से 1400 तक के प्राइस जंप देखने मिला था, मतलब इतना तेज मोमेंटम आया था इस स्टॉक में। उसके बाद जो पांचवा स्टॉक है हमारा इस वीडियो का वो है वोल्टास लिमिटेड। दोस्तों जैसे जैसे हमारा अब जो सर्दी है उसके बाद गर्मी आएगा, तो जैसे गर्मी का मौसम आता है तो काफ़ी ज़्यादा हम एसी का डिमांड बढ़ता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में एसी बनाती है वोल्टास कंपनी और धीरे धीरे और कई सारे प्रोडक्ट ये बनाएगी आने वाले समय में, क्योंकि जो मेड इन इंडिया है आत्मनिर्भर भारत है उसका डिमांड मतलब काफ़ी ज़्यादा ये नारा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये नारा बढ़ेगा तो इस स्टॉक का मतलब वैल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बूम नहीं करता है हम आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर सकते। तो आने वाले समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी जंप आने वाला है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो स्टॉक है जैसे आपको हमने बताया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कि 4000 रुपीज से बताया था 4000 से वो 15000 के आसपास जा चुका, अभी 14000 उसका प्राइस है। तो दोस्तों ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्टॉक था और इस स्टॉक में देखिएगा मोमेंटम तो 7500% का रिटर्न दिया है 20 ईयर्स में जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और ऐसी ब्लू चिप कंपनियां जब आपको 8000% का रिटर्न देती है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सिक्योर है तो जैसे गिरावट में मिलता है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्टॉक 462 रुपीज़ का हुआ करता था मई में और अभी आप देखते 809 रुपीज़ का हो चुका है। और यहाँ पर देखिएगा तो 52 वीक लो है 427 रुपीज़ जबकि 52 वीक हाई बना है 844 रुपीज़ का। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो ये पांच अलग अलग सेक्टर के मतलब सेक्टर लीडर स्टॉक थे जिसमें आपको गिरावट में अगर आपको मिल रहा है कभी तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। और वोल्टास का अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड है 0.49% जो कि मतलब अच्छा नहीं है। डिविडेंड यील्ड जब 1% हो 1% से अधिक हो तो उससे काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है। तो ये डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा मतलब कम है लेकिन आपको ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है तो जब भी गिरावट आता है उस समय करना है और फिर आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, फिर आपको उसमें ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा, साथ साथ बोनस स्टॉक स्प्लिट इन सारे कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।